ईरान के शीर्ष धर्मगुरु आयतुल्ला शिश्तानी साहब के भारत में नुमाइंदे अशरफ गर्वी की तस्दीक के बाद प्रयागराज के इमाम जुमा वल जमात सैयद हसन रजा जैदी व मौलाना जवादुल हैदर रिजवी ने रात के दूसरे पहर चांद की तस्दीक वीडियो जारी कर की। भारत के लगभग 95% शिया समुदाय ने बुधवार को ईद उल फित्र की नमाज अकीदत व एतेरम के साथ अदा की। इस्लामिक एतबार से माह रमजान के रोजे मुकम्मल होने पर खुदा द्वारा अपने बंदों को रहमत बरकत व मगफिरत के दिन मुकम्मल करने ईद उल फित्र को बंदों के लिए तोहफा करार देते हुए देश के विभिन्न शहरों व प्रयागराज की मुख्तलिफ शिया मस्जिदों में बंदों ने बारगहे इलाही में शुक्र का सजदा किया। सफेद कुर्ता पायजामा और सर पर टोपी लगाकर बच्चे बूढ़े और नौजवान पंक्तिबद्ध होकर मस्जिद पहुँचे और बाजमात नमाज अदा की। चक शिया जामा मस्जिद में इमाम जुमा वल जमात सैयद हसन रजा जैदी, मस्जिद काजी साहब बख्शी बाजार में इमाम जमात जवादुल हैदर रिजवी, मस्जिद बीबी खदीजा करैली में मौलाना सैयद रजी हैदर की क़यादत में बड़ी संख्या में शिया समुदाय ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। मस्जिदों के बाहर पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद रहकर नमाज को सकुशल सम्पन्न कराने में मुस्तैद रहे। वहीं करैली, दरियाबाद, रानी मंडी, दायरा शाह अजमल की मस्जिद ए नूर, करैली वीआईपी कॉलोनी की जमीयतुल अब्बास सहित अन्य शिया समुदाय की मस्जिदों में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मौलाना जवादुल हैदर रिजवी ने खुतबा पढ़ा तो मस्जिद काजी साहब के मुतावल्ली शाहरुख काजी ने सभी नमाजियों का इत्र लगाकर इस्तकबाल करने के साथ सभी को रुमाल भेंट किया। हम लोगों ने नमाज अदा किया। नमाज अदा करने के साथ साथ हमने दुनिया के तमाम मजलूमों के हक में दुआ किया है। इसी तरीके से फिलिस्तीन में जो बच्चे और नौजवान और औरतें मारी जा रही हैं, इनके हक में भी हमने दुआ किया है। और ये किसी एक कौम और एक फिरके से इसका ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक इंसानियत से है। इसीलिए आप देखें कि सारी दुनिया में इसराइल के खिलाफ जो है वो जुलूस निकाला जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है। लिहाजा हम भी इंसानियत के नाते फिलिस्तीनियों का साथ दे रहे हैं और इसराइल की मुखालफत। आज हमने दुआ किया है कि अल्लाह फिलिस्तीनियों को कामयाबी अता करे और जो है वो जो वहाँ के बच्चे मारे जा रहे हैं उन तक जो भूखे हैं प्यासे हैं उनके पास लिबास नहीं है उनके पास खाना नहीं है उन तक खाना पहुँचाया जाए और इसराइल को निस्तो नाबूद होना है और इंशाल्लाह जल्दी वो निस्तो नाबूद। देखिए कल रात में करीब 2 बजे जो है इसका ऐलान हुआ था नमाज ईद का और यहाँ पे नमाज की इंतजाम किया गया और नमाज अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज यहाँ इमाम जमात जो यहाँ के हैं मौलाना जवादुल हैदर बीबी साहब की क़यादत में अदा की गई काजी मस्जिद में और सभी शिया समुदाय की सारी मस्जिदों में नमाज हो रही है और सब जगह नमाज अदा की जा रही है ईद उल फित्र की। और हम लोगों ने यहाँ मुल्क में सलामती के लिए और आपसी भाईचारा एकता के लिए रिस्क व बरकत के लिए यहाँ पर दुआ मांगी गई है सैयद मोहम्मद से।